अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको आज मुजफ्फर बनाने दिखाने जा रही हूँ। मुजफ्फर बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो 1 किलो 1 kg चावल लेंगे लंबे, और जितने चावल लेंगे उतनी शक्कर लेंगे 1 किलो। फिर काजू, 2-4 इलायची के बूंदे, और घी देसी, और 2 कलर ग्रीन और येलो, और पानी। सबसे पहले हम है ना कटोरी में पानी को डालेंगे। ये बॉईल होने के बाद चावल डालेंगे। फिर पतीले में हमने घी लिया है और काजू डाला है, और इलायची जो हमने ली थी कूट के डाला हुआ है। उसके बाद हम शक्कर डालेंगे। चावल को उधर साइड बॉईल होने के लिए रखा है। फिर इसमें हम येलो कलर डालेंगे। थोड़ा सा 1 टीस्पून थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। शक्कर का कलर येलो हो गया है। चावल बॉईल हो रहे हैं। चावल को मैंने निथार लिया है। 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। धीमी आंच पे। फिर उसके बाद हम ये जो बनाया हुआ था शक्कर का चावल में डाल देंगे। चावल और शक्कर को एक साथ मिलाएंगे। आहिस्ते मिलाएं, चावल टूटने का डर रहता है। इसको दम पर छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। शक्कर सारी पिघल गई है। अब हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन कलर खूबसूरती के लिए है, क्योंकि येलो में ग्रीन अच्छा लगता है। आप डाले तो भी चलेगा, ना डाले तो भी चलेगा, ऐसे ऐसे। फिर अभी 5 मिनट साफ रखिए। फिर हमारा मुजफ्फर तैयार हो गया। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा मुजफ्फर बन गया है। ये देखिए, देखिए ग्रीन कलर कितना खूबसूरत लग रहा है येलो कलर में। लीजिए, मुजफ्फर तैयार हो गया। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जी, शुक्रिया।